ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर मुश्किल में फंस गए। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कांग्रेस विधायक पर आदिवासी महिलाओं ने मारपीट और बस्तुलीकी का आरोप लगाया है। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस विधायक और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मऊपाड़ी गांव में रहने वाली महिला मुन्नीबाई लोधी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि कुछ ग्रामीण ट्रांसफर करी मांग को लेकर विधायक के घर गए थे, उस दौरान विवाद हुआ। विधायक ने महिलाओं को लात घूंसों से मारा। इस पूरे मामले पर SP धर्मवीर सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक के PSO की तरफ से भी ग्रामीणों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया है, जिस पर पुलिस जाँच करने के बाद कार्रवाई करेगी। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में जो महिलाएं कुछ विधायक जी के निवास पर पहुंची थी, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और जो मुन्नी लोधी नामक जो पीड़िता है उसने जो आवेदन दिया है, उस आवेदन पत्र के तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया FIR दर्ज हुई है और उसमें हम लोग सारे तथ्यों को विवेचना कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।